हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2021 का यह मॉडल पेपर्स है सामान्य हिंदी वालों के लिए। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने यह वीडियो बनाया है कि मैम हमको मॉडल पेपर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए। तो इस सामान्य हिंदी का 2021 का यह पेपर हल सहित आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर में दिए जाते हैं और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाने लगा है। 100 नंबर के पूर्णांक होते हैं। खंड क, चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड क का पहला प्रश्न देखिए। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो शिक्षा का इसके संपूर्णानंद जी हैं। और दूसरा देखिए, लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। और पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर हैं। देख लीजिए आप लोग, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। और 2 का क देखिए, कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की रचना है। सभी को जहां तक पता होगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखा हुआ है और वे छायावादी युग के कवि थे। और देखिए 2 का ख देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है, तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि है। और ग का देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। आगे घ का देख लीजिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं, तो आपका यह सभी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, तो यह द्विवेदी युग का होगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। और यह कामायनी छायावादी युग का लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखा हुआ है। अंग देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो आपका रामचरितमानस भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, पद्मावत भी मामा महाकाव्य है, लेकिन एक बदनाम महाकाव्य है, इसलिए इसका सही ऑप्शन मामा होगा। यहाँ पर ये 3रा प्रश्न, गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। देखिए 5 प्रश्न है ना, इनमें से आपको देना होगा। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे कि ये कौन राष्ट्र का स्वरूप से लिया हुआ है। तो आप लोग, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो फिर इसको आप लोग प्रश्न सहित, पहला प्रश्न गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो उसमें आपको लिखना है लेखक का नाम और पाठ का नाम, और उसके बाद इसमें जो जो दिया हुआ है वह प्रश्न पूछा जाएगा, आपको 5ों प्रश्न हल करना है। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर डालिए। अशोक का फूल देखिए, यह भी आपके लेसन में दिया हुआ है और मेरे चैनल पर पढ़ाया भी गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यह पढ़ सकते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यह देखिए अशोक का फूल यहाँ पर दिया हुआ है, अशोक का फूल, अशोक का फूल को किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक का फूल लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला आता है, यानी राष्ट्र का स्वरूप अगर पढ़े हुए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया, तो उसको कर दीजिए। अगर वह नहीं आता है तो आप इसको कर डालिए, ठीक है। इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं, 5ों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 5ों प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया तो आपको सही नंबर मिल जाएंगे। 4था प्रश्न में पद्यांश दिया हुआ है, इसके आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश यहाँ से वहां तक पढ़ लेंगे, उसके बाद आप उत्तर देंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4था प्रश्न में पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश का आपको उत्तर देना है, ठीक है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यह आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, और कैकेयी का अनुताप से लिया गया है, कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। तो आपको इसको 5 प्रश्न दिए गए होंगे, 5ों प्रश्नों का उत्तर इसको पढ़ के देना है। अब जो मेन है, जो पाठ का नाम और लेखक का नाम, वह मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद आप उस पद्यांश में से पूरा आप कर लेंगे। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आराम से कर लेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर यूपी बोर्ड हिंदी 2022 पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स कराया गया है और कराया जा रहा है लगातार, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लज्जाशील महिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, तो यह आप सबका पवन दूतिका से है, पवन दूतिका से है। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके लेखक हैं। तो आप लोगों को इसको अगर आता है तो यह करिए, करना एक है आप लोग को, चाहे ऊपर का करिए चाहे नीचे का करिए, अथवा करके दिया हुआ है। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, क्या निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, अब जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, तो आपको भी किसी एक लेखक का, जिसका आपको अच्छे से आता हो, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय उनकी रचना सहित उल्लेख कर देना है, ठीक है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और ख देखिए,
पांचवें का ख भी पद्य से लिया हुआ है, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। किसी एक का जीवन परिचय आपको कर देना है, 5 नंबर मिलेंगे, यानी आपको 1 पेज 2 पेज इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, मेन मेन जो होता है वही लिखिए। और छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न में आपका बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आपको किसी एक, चाहे पंचलाइट का चाहे बहादुर का, किसी एक का आपको करना है। अगर वह सब नहीं आता है तो यह देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो इसको कर देना। 7वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, किसी एक खंड काव्य का भी और एक ही प्रश्न का भी उत्तर आपको देना है। तो आपको मैंने बताया था कि जिला के अनुसार, खंड काव्य आपको जिला के अनुसार करना है, ठीक है। कोई भी आपका जो जिला हो उसे पता कर लीजिए। मेरे एक मैंने वीडियो भी बनाया है खंड काव्य के लिए, कौन से जिले के लिए कौन सा खंड काव्य इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिए, आप लोग जिला का पता पाया जाएंगे। जिस मतलब आपका जिला नहीं, आपके कॉलेज का जिला जहां पर होगा वही खंड काव्य आपको करना होगा। आ गया आपका खंड ख। खंड ख में अनिवार्य संस्कृत और व्याकरण, काव्य सौंदर्य, आपका निबंध, यह सब दिया हुआ है। तो 8वां प्रश्न देखिए, ये आपका अनिवार्य संस्कृत से दिया हुआ है, तो इसको भी आप अगर पढ़े हुए हैं तो आराम से अनुवाद कर सकते हैं। और इस कौन से पाठ से है यह भी आपको लिख देना है, ठीक है। अथवा करके देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो अथवा वाला अगर वो नहीं आता तो आप इसको कर दीजिए। ये देखिए ख, ये ख का पद्यांश में से दिया हुआ है, इसका भी आपको अनुवाद ही करना है। जो श्लोक दिया हुआ है इसका अनुवाद करना है, पाठ का नाम भी लिखना है। और 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और करना क्या है, 4 दिया हुआ है, लेकिन करना आपको किसी एक का अर्थ लिखना है, यानी कि जो मुहावरे का अर्थ होता है उसको लिखना है और वाक्य का प्रयोग करना है। जैसे कि देखिए, आपको जो भी आए उसको कर डालिएगा। जैसे कि दाल में काला होना, यानी किसी पर संदेह होना, किसी बात को लेकर संदेह होना। जैसे मुझे मीरा पर बहुत संदेह हो रहा है, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, ऐसा प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न आपका संधि विच्छेद हो है, तो आप देखिए तथापि का संधि विच्छेद है, क्या है, तथा धन अपि, क्योंकि यहाँ पर देखिए अ तथा में आ का मात्रा है और अपि में भी अ का मात्रा है, अ मिलकर आ होते हैं, तो तथापि हो जाएगा, ठीक है। आपका सही ऑप्शन तथा धन अपि होगा। दूसरा, परमेश्वर का संधि विच्छेद, तो परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा, पहले तो परम होगा, ठीक है, धन ईश्वर, तो अ और ई मिलकर, यहां पर अ की मात्रा है, यहां पर ई की, अ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाते हैं, ठीक है, अ ई मिलकर ए बनाते हैं, तो परमेश्वर हो जाएगा, ठीक, परम धन ईश्वर, ठीक है। गायक का संधि विच्छेद, तो गायक का संधि विच्छेद होगा गय धन अकह, ठीक है, यह आपका सही ऑप्शन होगा। और ख का देखिए, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है, तो आपको इसमें लिखना है कौन सा वचन है, आत्मनः में कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। आपका इसका होगा पहला ऑप्शन सही, 6ठी विभक्ति एक वचन। चलिए दूसरा देख लेते हैं, नामनान में विभक्ति, आपका सिलेबस में भी यही दोनों आपको पढ़ना है, खाली आत्मन, आत्मन और नामनन, ठीक, नामन, ठीक है। अब देखिए, नामनान में विभक्ति और वचन है, तो यह आपका है 6ठी विभक्ति बहुवचन, यह आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कर लिखिए। तो आपको एक सही अर्थ का चयन करके आपको लिखना, वसन और व्यसन का सही ऑप्शन क्या है इसको आपको लिखना है। तो वसन और व्यसन का सही ऑप्शन है वस्त्र और आदत, यह आपका सही। दूसरा है, अम्बुज और अम्बुद का सही ऑप्शन क्या है, तो अम्बुज का होता है कमल और अम्बुद का बादल, तो जहां पर कमल और बादल हो वही आपका सही ऑप्शन है। अंबर का देखिए, आकाश और वस्त्र, आकाश और वस्त्र आपको कर देना है, ठीक है। किसी एक का लिखना है 2 शब्द, तो यह आपका 2 शब्द हो गया। इसी तरह से किसी का भी जिसका आपको आए उसका कर देना है। और ग का देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। देखिए दूसरा, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु। घ में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए।
इसको आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। एक दो वाक्यों का आपको सही, क्या इसका सही शुद्ध वर्ड है, ठीक है। और 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न देख लीजिए। वीर रस हास्य रस का अथवा हास्य रस का स्थायी भाव उदाहरण सहित परिभाषा मिलके, तो चाहे आपको वीर रस का चाहे हास्य रस का किसी एक का लिखना है। इसमें भी चाहे श्लेष अलंकार का लिखिए चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार का, उदाहरण सहित लक्षण अथवा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। और इसका ग देखिए, दोहा सोरठा, दोहा का लिखिए नहीं सोरठा छंद का लिखिए, आपको एक का लिखना है। और 13वां आपका, ध्यान दीजिए, 13वां आपका, 13वां यह आपकी आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना होता है प्रबंधक को छुट्टी के लिए या फिर किसी चीज के लिए यहाँ पर देता है। इसमें देखिए बैंक का खाता खोलने के लिए आपको प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, करके भी दिया रहता है यहाँ पर देखिए, अथवा करके शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र लिखिए। और 14वां प्रश्न देखिए आपका, यह निबंध है आपको लिखना रहता है, इसकी भाषा किसी भी चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, किसी एक पर निबंध लिखिए और बहुत ही जो आपको अच्छे से आता हो उसी पर लिखिए, क्योंकि इस पे आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इस पे आपके 9 नंबर मिलेंगे, तो यानी कि इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। आपका प्रश्न पत्र लिखने यानी कि प्रबंधक को पत्र लिखने के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे और इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। इसको बढ़िया से हेडिंग वेडिंग डाल के बढ़िया से लिखना है, किसी पर भी आप तैयारी कर लीजिए, दो तीन चीजों पर आप तैयारी कर लीजिए, आपका एक उसमें से आना ही आना है, उसी पर अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए आपका पेपर समाप्त हुआ, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं।